का जो एनर्जी है ये ऐसा है ना, एक बार अगर डाउन हुआ, अगर कोई आपको कुछ बोल दिया और उसके बारे में सोचने लग गए, तो फिर उसी के सोच में मन एक तरफा इतना डाउन चला जाता है कि वापस आने के लिए काउंटर वेट का आवश्यकता रहता है। दूसरा, जब तक कोई नहीं समझा दे या दूसरा कोई अगर आपको अच्छा लेवल पे नहीं ले, तो फिर आप उतना ही डाउन डाउन चलते जाएंगे। और इसके लिए नेचुरली थोड़ा सा काउंसलिंग का आवश्यकता रहता है। और ये जो राहु अगर छटा में बैठे तो रोग से बचाता है, रोग वगैरह का भ्रम करता है लेकिन रोग से बचाता भी है। तीसरा ये है कि दिल्ली जैसे पॉल्यूशन वाला सिटी में रहें और ब्रीदिंग डिजॉर्डर हो, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये होने का पूरा संभावना रहेगा। और गुरु चांडाल कुंडली में हो तो ब्रीदिंग डिजॉर्डर, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, श्वास जनित समस्या, ये भी होता है। और इसके लिए सबसे पहला मैं बताऊं आपको, जितना ज्यादा प्राणायाम करेंगे, ठीक है, और प्राण शक्ति को शरीर के अंदर आहरण करके रखेंगे और पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को बिल्डअप करेंगे, उतना ज्यादा यहां से मुक्ति मिलता है, ठीक है। और तीसरा है कि ऐसे लोग जो गुरु चंडाल में जिंदगी चल रहा है, तो इनको स्वर साधना का आवश्यकता बहुत ज्यादा रहता है। यानी मैं इसको स्वास्थ्य चालीसा वाला वीडियो में दिया हूं, जो 30 साल पुराना हमारे नेचुरोपैथी का विषय है, वही दिल्ली से सीखा था। झिंझोली हरियाणा भवना में हम लोगों का शिविर होता था उस समय, आज से 30 साल पहले। तो उसको, इसका नियम यह है कि बाएं नासिका चले तो पिया करो, दाएं चले तो गुगू किया करो, बाएं चले तो पिया करो, दाएं चले तो खाया करो, बाएं चले तो सोया करो, दाएं चले तो जगा करो। यानी बाएं स्वर और दाहिना स्वर, स्वर को जानना। और ऐसे ही बाएं चले तो सुसु करो, दाएं चले तो गुगू करो। यानी स्वर के अनुसार अगर आपका जिंदगी चलेगा तो आपके जिंदगी में समस्याएं नहीं होंगे, एक नंबर बात। दूसरा यह है कि सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग घर में नहीं रह के बाहर वॉकिंग करें, नीम का पेड़, पीपल का वृक्ष, बड़गच, इस प्रकार के जितने देव वृक्ष है उसके नीचे लंबा गहरा श्वास लेवें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। और इसको निवारण हेतु जरूर यहां पर आपके इष्ट देवी का मंत्र का जाप करें। यानी एक श्वास लंबा गहरा खींचेंगे, उसमें आपके मंत्र रहेगा, फिर कुंभक करेंगे थोड़ा देर, उसका मंत्र रहेगा, फिर रेचक करेंगे, उसका मंत्र रहेगा, फिर दहना नाक में इनहेल श्वास लेके मंत्र करेंगे, उसको फिर बंद करेंगे, फिर बाएं नासिका में श्वास, अनुलोम विलोम प्राणायाम जानते हैं, थोड़ा जानते हैं, इसको हमारे योग विज्ञान में नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, अनुलोम विलोम भी कुछ लोग बोलते हैं। बाएं नासिका में श्वास छोड़ना, फिर बाएं नासिका में श्वास लेना, फिर अंदर बंद करना, फिर दाहिना नासिका में छोड़ना, दाहिना नासिका में लेना, फिर अंदर कुंभक करना, फिर बाएं नासिका में छोड़ना, फिर कुंभक करना, ये एक साइकिल होता है। और इसको जितना ज्यादा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, बैठ के करेंगे, और श्वास के प्रवृत्ति के अनुसार अपने आप को कमांड देंगे कि मैं स्वस्थवान हूं, मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, मैं अब मजबूत हूं, सुंदर हूं, स्वस्थवान हूं। इसको बोलते हैं सेल्फ इनिशिएशन एंड सेल्फ कमांड, ठीक है। इस प्राण वायु के साथ जब आप कमांड देते हो, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा स्वर विज्ञान में बताया गया है, तो बीमार से बीमार व्यक्ति भी उसको, जितने भी भ्रम जनित बीमार, गुरु चांडाल जनित बीमार, ब्रीदिंग डिजॉर्डर डिजीज या मेंटल फोबिया, मेंटल डिजीज, इस प्रकार के जितने समस्याएं हैं, इसके माध्यम से ये ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। हाँ बोलिए।
चैलेंज गारंटी 100% ठीक हो जाएगा, और मैं कहूंगा एक दिन में ठीक हो सकता है। मैं कहूंगा इस सूत्र को जो मैं आपको बताया, स्वर विज्ञान हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, हमारे पंचगव्य में, हमारे योग चिकित्सा में, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल थेरेपी, एस्ट्रोथेरेपी इसको बोलते हैं, एस्ट्रोथेरेपी, इसमें श्वास देखो, और गुरु बृहस्पति को शुद्ध ऑक्सीजन कहा गया, और जिस कुंडली में गुरु चांडाल लगा तो गुरु ऑक्सीजन के साथ, ये जो राहु कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बताया गया, या एक छाया ग्रह बताया गया, या मैला बताया गया, तो आपके वायु में नैसर्गिक रूप में आपके शरीर में वायु जनित समस्या बना। शनि, शनि को भी बात और वायु बताया गया, हाथ पैर में दर्द, ऐंठन और मसल का खिंचाव, तो बृहस्पति और शनि और ये जो धूम्र कारक बता, मतलब भ्रमात्मक धूम्रात्मक ग्रह राहु को बताया गया, ऐसे कंडीशन में ब्रीदिंग डिजॉर्डर रहना अति स्वाभाविक विषय रहता है। और इसके लिए हमारे योग शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में, स्वर विज्ञान शास्त्र में इस प्रकार के प्राणायाम को विधान बताए गए हैं। जो लोग इस प्रकार के सीवियर माइग्रेन, हेडेक और ब्रीदिंग डिजॉर्डर, श्वास प्रश्वास विच्युति, इस प्रकार के समस्या में इस प्रकार का व्यायाम अनुलोम विलोम के साथ मंत्र का प्रयोग, और उस मंत्र को, उस प्राण को कमांड जैसे करेंगे, वो आपके अंदर तक जब प्रवेश करेगा, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का समन्वय करना, मैं आपके आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं है, तो जब ऐसे प्राणायाम जो आपको अंदर से भेदन कर दे, एक तो नाड़ी शुद्धि बोला, दूसरा नाड़ी भेदन, ठीक है, तो ये अगर करते हैं तो आपको इस प्रकार के दिक्कत से 100% मुक्ति मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। और अगर पहले से अभ्यास है या नहीं भी है तो इसको अगर नित्य अभ्यास आप 30 दिन करके देख लो, क्योंकि प्रारंभ लेवल में आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके साथ अगर अग्निहोत्र कर लें, अग्निहोत्र के साथ सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय अगर अग्निहोत्र, यानी अग्नि जला के थोड़ा सा गोबर का कंडी में थोड़ा सा चावल और इसको अग्निहोत्र पर रिसर्च कर लें, तो हाँ, तो इसमें 100% रिजल्ट मिल जाता है। ये मतलब थोड़ा सा अभ्यास करके, रिसर्च करके, खोज करके अगर करेंगे तो मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है, एक दिन, तीन दिन, पांच दिन, एक महीना के अंदर अंदर ये बीमारी चला जाएगा, ये रहेगा नहीं। साथ में थोड़ा सा कोशिश ये करें, जब जिस दिन आप भोजन कर रहे हो, अपने को पूछो कि मैंने आज क्या अल्कली खाया, क्या एसिड खाया, क्या नेचुरल खाया, क्या अननेचुरल खाया, ये अपने को प्रश्न करिए। हम लोग जो भी चावल, रोटी, सब्जी ये सब खाते हैं, कच्चा सलाद नहीं खाते हैं, जूस सूप नहीं पीते हैं, और ऊपर से चाय या फिर इस प्रकार के जितने भी मतलब हाइटिक, मतलब जिसको बोलते हैं एसिडिक नेचर का फूड खाते हैं, तो ऑर्गेनिक फूड को खाना, प्राणायाम को करना, स्वर्ग विज्ञान में जीना, कब सोएं, कब उठें, कब बैठें, स्वर्ग के अनुसार अगर करते हो तो ऐसे भ्रम जनित रोग से मुक्ति मिल जाता है। और इसके लिए ऐसे राहु अगर बृहस्पति को बहुत पीड़ित कर रहा है, जैसे आप बोल रहे हो कि इस प्रकार का बीमारी है, तो मैं कहूंगा वासुदेव मंत्र इज बेस्ट, या फिर मृत्युंजय मंत्र इसके साथ अगर आप करती हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और याद रखिएगा, अग्निहोत्र के साथ प्राणायाम इज द बेस्टेस्ट मेडिसिन फॉर सच काइंड ऑफ डिजीज, पर्टिकुलरली इन कुंडली अगर गुरु चांडाल बन रहा है और छठा स्थान में बन के आपको पीड़ा बीमारी दे रहा है। तो घर चाहिए, आप बोलते हो पैसा नहीं रुक रहा है, मैं कहता हूं इसी ऐसे ही स्वर साधना के साथ अपने माइंड को अगर आप कमांड देते हो तो ये आपके जो अभिष्ट है 100% सिद्ध हो जाएगा। अपने जब प्राण को लेते हो अंदर और कुंभक करते हो, और उस समय अगर आप ये बोलते हो कि मेरा भवन बन जाए, मेरा जो पैसा नहीं रह रहा है पैसा रहना प्रारंभ हो जाए, आपके खेल है मन का, माइंड को स्ट्रांग करोगे,
पैसा रहेगा, बाप बोल के रहेगा, 100% रहेगा। आपके माइंड को स्ट्रांग करोगे और उसमें कमांड दोगे तो नेचुरली आपके घर इत्यादि भी हो जाएंगे। अपने को देखो, ये प्राण का जो खेल है, आपने अपना शक्ति को बढ़ाना, और जब शक्ति बढ़ जाए तो आप जीवन में हर कुछ को खींच के अपने जीवन में जो अभिष्ट है, जो इच्छा है, उसको परिपूर्ण कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसा है तो स्वाभाविक बात है आप उसके लिए जो अनुष्ठान है, मैं जैसे आज वीडियो दिया हूं, अनुष्ठान करना, जो जीवन में नहीं प्राप्त हो रहा है उसके लिए अनुष्ठान करिए। धन नहीं है, अनुष्ठान करो, उसके लिए जाप और यज्ञ उसका व्यवस्था करिए। तो उस अनुष्ठान के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगा और आपके जीवन का अभिष्ट सिद्ध होगा। ठीक है, आज सभी कुंडली मेरा द्वितीय स्थान का शनि वाले आ रहे हैं, ठीक है, और सब छठवा के दिन सब बिहारी लोग मेरे पास आज वीडियो आज चल रहा है ना। तो ये ऐसा है, किसी को जब आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के करिएगा, क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ गलत वाणी किसी के जिंदगी में घट जाएगा, ये एक डेंजर चीज होता है। और अगर बिना दोष का उसके जीवन में कुछ दंड मिल गया, अगर आपका ऐसे कुछ बात निकला, तो फिर बकैया आपके ऊपर लग जाता है, आपके जीवन में दुख आता है। ठीक है, और यार हमेशा बार बार बोलता हूं द्वितीय शनि वालों को, देखो जीवन में उनका शोक रहेगा। द्वितीय का शनि को चाहे चंद्रमा से चाहे लग्न से, आप भाग्यशाली हैं कि चंद्रमा से एकादश है लेकिन लग्न से द्वितीय में है, बड़े बली है और अति अति पावरफुल में है, धन के घर में है, तो ऐसे कंडीशन में ये वाणी में कुछ ऐसे मैलिफिक एनर्जी डालता है जिसके द्वारा लोगों को कष्ट हो सकता है या आपका बात, इसको बोलते हैं कलमुही, कलमुही समझते हो, जो बोलेगा जो बोलेगी वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सोच समझ के वाणियों को चलाएं थोड़ा सा कंट्रोल करके, तो फिर अच्छा रहेगा। तीसरा ये है कि आप शनि जिसका द्वितीय में है, बिना पेड़ को लगाना, इसके ऊपर भी वीडियो दिया हूं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। और तीसरा यह है कि बिना काटा हुआ पेड़ से, नेचुरल लकड़ी से आप अगर कुछ भी कोई भी कार्य करते हैं, दिल्ली हाट कभी गए हो? दिल्ली हाट कहां पर है बताइए? हैं उधर, बहुत बड़ा बड़ा बाजार टाइप है और वहां पर सारे भारत से और बाहर से लोग, हाँ, तो वहां पर देखिएगा लकड़ी के कारुकार्य, लकड़ी में कई सारे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, तो उस प्रकार के कार्य अगर करते हो, आइसक्रीम का स्टिक से या लकड़ी उपयोग कोई भी कार्य, मतलब हैंडीक्राफ्ट सीखते हो, तो उसमें इसका ये द्वितीय शनि का ये काउंटर है, तो वो धन को रखने देता है। ठीक है, ये एज ए आप उसको सजावट वाले सामान बना सकते हो, उपयोगी सामान बना सकते हो और उसको सेल कर सकते हो, तो फिर यहां पर ये देखना कि आपको जो धन संरक्षित नहीं हो पा रहा है वो होने देगा। सेकंड में शनि रहता है, हस्बैंड उसका डाउट करता है, ठीक है, बिन मतलब का डाउट मन में, भोले बोल नहीं पाए, डर के मारे, बिबिया है, पता नहीं कहा कही, ठीक है ना। लेकिन मन के अंदर एक डाउट रहता है, तो आपको काम बनता ऐसा है कि आपके पति को, हृदय को जीतें और उसको एक बार बार एश्योरेंस दें कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, चिंताविहीन रहिए। और इसमें, इस क्षेत्र में जितना ज्यादा आप सावधानी रहें, यानी किसी से मतलब बिना पति के आज्ञा अनुसार किसी के साथ मिलना, भिड़ना, बात करना, अंदर ऐसे लोगों का पति थोड़ा संकी हो जाते हैं, ठीक है, मन में थोड़ा सा ऐसे दुर्भावनाएं रहते हैं, ये एक ऑटोमेटिक एनर्जी है, नेचुरल एनर्जी है, और कईयों को इस प्रकार का रिलेशन भी करा देता है ऐसे कंडीशन में, तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी होते हुए चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पति बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हाँ, और बोलिए।